अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं कच्चे आम से बनने वाला मीठा अचार। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप इसको महीने भर के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। यहाँ पर मैंने 1 किलो कच्चे आम लिया है जिसको मैं अभी काट लूँगी। इस तरीके से मैं सारे कच्चे आम काट लूँगी। ये आम को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये यहाँ पर मैंने 1 kg आम का लिया है, तो यहाँ पर मैं 1/2 kg गुड़ का लूँगी। और ये कुछ पाउडर मसाले, 1/2 teaspoon इसमें चिली फ्लिक्स है, 1/2 teaspoon इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है, ये सादा नमक है और ये काला नमक है। ये 1/2 teaspoon मैंने दोनों भी लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 pinch मैंने यहाँ पर फूड कलर का ऐड किया है। और ये 1/2 teaspoon चाट मसाला है, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर है। और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 tablespoon इसमें जीरा है, 1 tablespoon इसमें कलौंजी है, 1 tablespoon इसमें सौंफ का है। 1 pinch मैंने यहाँ पर हींग का लिया है, 1 pinch अजवाइन का लिया है और 1/2 teaspoon से कम मैंने यहाँ पर मेथी दाने का लिया है और 1/2 teaspoon राई लिया है। बड़े चम्मच टेबल स्पून तेल का मैं इसमें डाल दी हूँ और मैं इसके गर्म होने के बाद मैं ये सारे मसाले जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक से दो मिनट तक ही मैं ये मसालों को फ्राई करूँगी, मैं इसको जलने नहीं दूँगी। और यहाँ पर मैं ये कच्चे आम का इसके अंदर डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे आम पर ये सारा मसाला कोट हो जाए। ये 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से ये मसालों में इन कच्चे आम को फ्राई किया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 glass पानी का ऐड कर दूँगी और ये कच्चे आम को अच्छी तरीके से गलने के लिए छोड़ दूँगी। कच्चे आम गल चुके हैं तो मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर दूंगी। गुड़ डालने के बाद मैं इसके अंदर 5 tablespoon पानी का ऐड कर दूंगी और मैं गुड़ गलने का इंतज़ार करूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन ढक कर रख दूंगी और गुड़ गलने का इंतज़ार करूंगी। वन टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरके का ऐड कर रही हूँ। सिरका डालने से ये बहुत दिनों तक हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। पाँच मिनट के अंदर ये हमारा इतना पानी सूख गया है और हमको और पानी नहीं सुखाना है, बस ये अचार के अंदर इतना ही पानी चाहिए। ये कच्चे आम का मीठा अचार है इसलिए ये बहुत ज़्यादा सूखा नहीं होता है, थोड़ा सा लिक्विडी होता है। चाहे आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कच्चे आम का मीठा अचार जो है वो तैयार हो चुका है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।